आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम महेश है। महेश, पेशेंट का नाम क्या? शकुंतला। शकुंतला जी। अच्छा, माइक क्या पेशेंट आपको? जी। कितने दिन से प्रॉब्लम थी आपकी सर? जो करीब करीब पाँच छः साल हो गए। छः साल जी। जी, कहाँ कहाँ दिखा लिया था आपने? हरदोई में तो सर कोई डॉक्टर ही नहीं छोड़े, वो आस पास जो जिले थे सीतापुर वगैरह सब में दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने आपका वीडियो देखा तो यहाँ लेकर के आए। तो छः साल में आपने छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया? नहीं, अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, हरदोई में कोई डॉक्टर नहीं छोड़े सर। बड़ा छोटा? हाँ, सबको दिखाया और बहुत पैसा ख़त्म किया। कितना को लेकर? करीब करीब मेरे समझ से करीब पौने 2 लाख रुपया मैंने लगा दिया। 2 लाख रुपया सिर्फ सिर का दर्द में लगा दिया जाता है और कोई डॉक्टर ने ठीक ही नहीं कर पाया। और जिसमें सभी बड़े हॉस्पिटल और बड़े छोटे भी, शुरू में तो छोटे छोटे देखे उन्होंने, जब उनसे नहीं हुआ तो 5 साल तक आप समझ सकते हो कि बंदा कितना परेशान रहा। जिनसे सिर का दर्द भी ठीक नहीं होता वो लोग हम पर कमेंट करते हैं, ठीक है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने जितनी वीडियो डाली है ना जी, मैं नहीं बोल रहा कि ठीक कर रहा हूँ पेशेंट, मैं तो खुद कर रहा हूँ कि पेशेंट की यहाँ पर डेथ भी होती है, मैंने नहीं बोला। मैं इतना जानता हूँ कि पेशेंट की रिकवरी का रेट जो रखा हमने 20 दिन का, वो आपके सामने है। 20 दिन के बाद पेशेंट का क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। जो भी है पेशेंट की, मेरे पास पेशेंट आता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सारे रास्ते बंद, यानी मैंने मेरी वीडियो में बोल रखा है कि आपके पेशेंट की जो भी यहाँ पर आने वाला है उसकी शमशान घाट में लकड़ी डलवा के आओ, यानी इसके बाद आपका कोई रास्ता नहीं बचा है कि अगर यहाँ पर आने के बाद डेथ भी हो रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आयुर्वेद में आता भी वही है जी, मानते हैं ना? आयुर्वेद में कौन आएगा जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इतनी कड़ी बात बोलने के बाद भी लोगों को पता नहीं क्यों फिर बोलना कहाँ से आ जाता है। मैं स्पष्ट रखा अपने बारे में, मैं आयुर्वेद मैंने अपने लिए सीखा था, ठीक है जी। मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले, मेरे को मानने वाले वही लोग मेरे पास आए थे ट्रीटमेंट के लिए और वो ठीक हुए। उनके द्वारा फिर एक दूसरा दूसरा तीसरा ऐसा चलता रहा, तो बाद में जाकर फिर सोशल मीडिया पर इसलिए डाला ताकि मैं लोगों को बता भी सकूं कि इतने पेशेंट मेरे पास रिकवरी हुए हैं। क्योंकि जिसको आयुर्वेद पर विश्वास ही नहीं था, जिनको ऐसा लगता था कि इससे हो ही नहीं सकता, तो मैंने आयुर्वेद को बचाने के लिए ये वीडियो डाली है, अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं डालता, ठीक है। आपको विश्वास है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं ऑनलाइन दवाई नहीं देता। अगर मैं वीडियो को डालकर ऑनलाइन दवाई भी देता हूँ तो आप लोग मुझ पर शक करोगे जी, ठीक है। नहीं देता, आप ट्राई मार के देख लो। कोई मेरे पास इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है कि आपको ऑनलाइन दवाई मिल जाएगी, यहीं आना पड़ेगा। तो सारी नॉलेज आपको यहाँ मिल जाएगी और आपको यहाँ पर आने के बाद आपको नहीं लगता कि मुझे दवाई लेना है नहीं लेना, नहीं समझ में आता मत लेके जाओ। तो कोई किसी तरह से कोई गलत काम तो नहीं है, फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों नहीं विश्वास है। फिर मैं अपने आप को जो पेशेंट के साथ वार्ता करी है तो इन पेशेंट का चेहरा भी देता हूँ। आप काम क्या करते हो स्वयं? मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस कहाँ पर करते हो सर्विस? हरदोई में। हरदोई में कौन सी क्या? जिला पंचायत राज अधिकारी DPR ऑफिस में। DPR ऑफिस में आप जी, सरकारी डिपार्टमेंट में जी, आप जॉब करते हो, तो आपको आपके नाम से तो कोई पहचान सकता है, मिल सकता है ना? इतनी स्पष्टीकरण मतलब देते हैं हम लोगों को, फिर भी लोगों को वीडियो को झूठी लगती है। चलो, 5 साल तक आपने पेशेंट को लेकर घूमते रहे, कोई फायदा नहीं। आप जाकर, मैंने 2 बार यहाँ दवा ली है 20-20 दिन के, अब तीसरी बार दवा इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अब बिल्कुल ठीक हैं। आपने सिर्फ मेरे यहाँ पर दो बार ही दवा ली है जी, ठीक है। और अब आपकी दवाई बंद भी हो चुकी है जी? बंद। कितने दिन हो गया बंद हुई दवाई को? 2 बार ले गए थे 20-20 दिन के, जब से बंद है। 40 दिन की दवाई ले जाने के बाद आपने कहा आपको बता दें जो चीज आज, सिर्फ आप इनके साथ आए थे जी जी, ठीक है। और आप मेरे पास स्टार्टिंग में आए थे 28 फरवरी में आए थे जी, 2024 में जी, ठीक है, जब ये 40 दिन की दवाई लेके गए थे। और आज आपकी तारीख आपके सामने नोट कर लो, ठीक है। इतने दिन तक आपको पेशेंट को सिर का दर्द अब नहीं है? अब नहीं, बिल्कुल है। पेन किलर भी खूब खाया? खूब खाया। पेन किलर जब तक बॉडी में असर है तब तक तो आराम, अरे फिर भी दर्द होने लगता था पेन किलर खाने के बाद में। और ये बात आप लोग सभी जानते हैं कि अगर सिर का दर्द के लिए सिर्फ पेन किलर पर डिपेंड है तो आगे चलकर इनमें क्लोट भी होगा, आगे चलकर ट्यूमर भी कन्वर्ट होगा, ठीक है। 5 साल तक बंदा सर्वाइव कर रहा तो उसके बाद फिर उसकी सर्जरी पर डिपेंड आ जाती है। तो सिर के दर्द के लिए भी आप लोग माइनर मतलब मामूली नहीं कर सकते कि माइनर बीमारी है, ठीक। डॉक्टर ने क्या बोला सर 5 साल तक इसको
जो दर्द ठीक डॉक्टर इस मरीज को समझ ही नहीं पाए क्या है क्या नहीं। सीटी भी करवाया होगा आपने? हर चीज कराई इसने, सब कहीं वगैरह भी सब करवा लिया, सब कुछ करा लिया, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि कहानी क्या है। तो हमारे पास जब दवाई लेके गए तो कितने दिन में आराम मिलने लगा था? पहले लेने आए थे तो उसके उसी में करीब 10 दिन बाद फायदा ऑटोमेटिक मालूम होने लगा। दूसरी बार जब लेने आए तो बिल्कुल दर्द चली गई थी, अब इस समय बिल्कुल ठीक है, इस समय बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है। उनसे खूब दवाई लेने के बाद भी सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ और यहाँ कहते हैं कि 10 दिन में ही पेशेंट एकदम नॉर्मल हो गया और अब दवाई बंद भी हो चुकी है। इनको लेकर मैंने कई वीडियो बनाई है, मैं वीडियो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता, ये वीडियो मैं लोगों के लिए बनाता हूँ मैं, इसलिए कि वो लोग जान तो पाएं कि हम कितने बड़े फ्रॉड हैं। जी यही बोलेंगे ना जी, हमारा नाम इसी में गिनती होता है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से एक होता ना कि आयुर्वेद को बचाने की कोशिश करी है, इतना बोल सकते हैं। आयुर्वेद पर लोगों को विश्वास नहीं था क्योंकि अगर कोई पेशेंट आयुर्वेद की तरफ चला आता है तो समाज उसको घृणा की दृष्टि देखता कि ये पैसे बचाने के लिए आयुर्वेद में जा रहा है, और आयुर्वेद में अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको समाज को मतलब जवाब देना भी भारी पड़ जाता है। जी तो आयुर्वेद इस कंडीशन में आज बैठा हुआ है और उसकी रिकवरी इतनी फास्ट है, बहुत फास्ट है सर, बहुत फास्ट है। तो आज आपको तो विश्वास हो गया? हमें विश्वास हो गया, और कोई भी मुझे मिलता है तो हम यहाँ का एड्रेस जरूर देते हैं, अब तो मतलब कि शायद मेरे बातों द्वारा आदमी वहाँ पहुँच जाए, ठीक हो जाए, नहीं तो लोग लाखों रुपए खत्म कर दे तो कोई फायदा नहीं होता है। माउथ पब्लिसिटी चल रही है, अब वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वीडियो को जिसको समझ माउथ पब्लिसिटी अब यही है, वीडियो जिसको समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। हमने तो हर पेशेंट का चेहरा के साथ आपके सामने वीडियो रखी है और आपने फिर इनके इनको बताया? जी इनको भी साथ में लाए थे। अच्छा दोनों साथ आए? आप दोनों साथ आए? हमारी जो भाभी है बड़ी, ये आपकी भाभी है, इसको देखने के बाद आपको लगा कि 5 साल की प्रॉब्लम तो ठीक हो सकती है, तो फिर आपको विश्वास हुआ? ठीक है सर, इनको विश्वास ऐसे हुआ, डॉक्टर ने कहा मेरे एक भाई साहब मिलिट्री में, उन्होंने आप वीडियो देखा होगा तो उसमें सर्च किया। आपका नाम क्या सर? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी। और आप दोनों? हाँ हमारे बहनोई हैं सर। आप बहनोई है, ठीक है। आपके पेशेंट का नाम क्या है? रजनी। रजनी जी। अच्छा रजनी, ठीक है जी। आपके पेशेंट की जो बताई थी इन्फेक्शन इतना बढ़ा हुआ था, TLC 15,200 थी, ठीक है। और पेशेंट को आपको क्या था प्रॉब्लम? गॉल बॉर्डर में बताया था, जांच करवाई आपने, क्या दिक्कत होती थी शुरू में पेशेंट को? सर पहले पीली ऐसी हो गई, आंखें शरीर पीला हो गया था, बिलोरबिन बढ़ गई जी, आंखें पीली पीली हो गई, आंखें और शरीर भी पीला हो गया था। हाँ पेट में बहुत ज्यादा दर्द, ठीक है, और बुखार फीवर भी रहती थी, शरीर में खुजली चलना, खुजली और शरीर भी सूजने लगा था, शरीर में स्वेलिंग हो गई थी, नींद नहीं आती थी नहीं। और मुंह कड़वा रहता था, ठीक है। और आपने कहीं इलाज कराया सीधा मेरे पास आ गया? नहीं पहले सर पीलिया का इलाज होता रहा, क्योंकि जब तक बिलोरबिन अगर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपको कोई दवाई चलेगी नहीं। नहीं डॉक्टर ने कह दिया था इनके संभावना है, तो हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी में केवल ऑपरेशन करा के ही दवा दी जाएगी, वो भी 2-4 साल फायदा रहेगी फिर वैसे हो जाएगी, और जो आयुर्वेदिक दवा होती है टाइम तो थोड़ा वो लगता है पर वो जड़ से चली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कदम उठाया था। टाइम थोड़ा बहुत कितना लगता है जी, 5 साल तो आपका नहीं हुआ। अरे सर तो फिर हम कैसे थोड़ा बहुत क्यों बोले, हमने बोले तो बहुत सर। तो हमने लंबा समय लिया क्या आपसे? नहीं लंबा नहीं लिया, जो दो ही बार लिए सर, उनकी दो बार में ठीक हो सकता है तो आयुर्वेद को बदनाम कर दिया जी, पता नहीं किसने किया होगा कि आयुर्वेद लंबा चलता, हमने तो लंबा नहीं चला आपका दवाई। नहीं हमारा दो ही बार में ठीक हो गया था, तो लंबा तो वहाँ से चला जी सर, लंबा तो उनको बोलेंगे ना 5 साल से तुमसे मांगे। सर आपको बताएं कि उनकी इनकी दवा करीब 1 साल से चल रही, कोई फायदा नहीं। अच्छा इनकी भी दवा? हाँ नहीं जे रजनी की दवाई, तो उनसे भी उनको आराम नहीं मिला। आपने कितना पैसा लगा दिया था सर? अरे बहुत साल लग गया पैसा, जे तो सर बर्बाद हो गए। कैसे? इनके पास कुछ रही ना, ये खेत था वो भी गिरवी इन्होंने रख दिया, अपना खेत भी बिक गया, अपनी घरवाली और समझ ले सब मजदूरी करते हैं सर, जो कर्जा ले करके आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, तो मतलब आपसे आपको मतलब एक तरह से बर्बाद कर दिया गया जी।
ठीक है, और इलाज के नाम से आपको कोई भी फायदा नहीं मिला, जहाँ से आपने कहाँ करवाया आपने इलाज उनका? हरदोई में। कोई बड़ा हॉस्पिटल या छोटा हॉस्पिटल में कराया? बड़ा है सर, बड़ा है। हाँ, एक बड़े हॉस्पिटल में, नाम तो मैं इसमें साइलेंट कर दूंगा क्योंकि हम किसी को बदनाम करना नहीं चाहते, लेकिन एक सच्चाई तो रखेंगे जी। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ है आपके सामने स्पष्ट रहे। इनकी कंडीशन भी नहीं थी कि आगे इलाज करवा सकें क्योंकि सब बिक चुका है, ज़मीनें इनकी बिक चुकी है। ठीक है, डॉक्टर ने जब भी कह दिया था कि हाँ नहीं लखनऊ ले जाओ, और लखनऊ कम से कम 25 लाख रुपये डॉक्टर बोले 25 लाख रुपये का, इनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो मजबूरी थी। पैसे ना होने की वजह से मेरे पास आए थे जी, यही बोलेंगे जी। ठीक है, 25 लाख कहाँ से लाते? तो ये बोले चलो फिर आयुर्वेद में ही चलते हैं। मेरे पास जब आए जी आप दवाई लेके गए, तो कितने दिन में आपके पेशेंट को आराम मिलने लगा था? सर 20 दिन में आराम हो गया था। क्या आराम मिल गया था आपके 20 दिन में? वो शरीर का पीलापन दूर हो गया था, जो आंखें पीली पीली थी जी, उसमें फायदा हो गया था, फायदा होने लगा था, फायदा होने लगा था। बुखार होता था, वो भी कम हो गया था, बुखार भी कम हो गया। शरीर में जो आप बता रहे थे खुजली, ठीक, हाँ खुजली अभी है जी, ठीक है। और नींद नहीं आती थी? वो आती है खूब, नींद अच्छी आती है। और भूख? भूख भी लगती है, भूख लगती है। पहले खाती थी क्या? नहीं, पहले पहले नहीं खाती थी, पहले नहीं खाती थी, नींद भी नहीं आती थी पहले, मुंह भी कड़वा रहता था। हाँ। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। और क्या डर था, क्या अभी भी है? नहीं अब नहीं है सर डर, अब नहीं, अब तो फायदा है तो नहीं डर है। जो आपसे जमीने आपकी बिकवा दी, तो उनको क्या बोलना चाहोगे सर? कुछ नहीं हैं, तो मैं तो ये बोलूँगा कि देखो सच्चाई तो कम से कम बोलो, कि अगर मान लो कि आप जे चीज़ मालूम होते तो पहले आयुर्वेदिक ना कराते। आयुर्वेद में आपके पेशेंट की डेथ हो जाती तो फिर तो आपको पूरा मोहल्ला, आपके भाईचारा है ना, हर आपको बदनाम। देखो अगर देखो मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे कि आप इनको, मैं जितना ही बोलूंगा कि मैं किसी को बदनाम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन नहीं जब अंग्रेजी से तो फायदा नहीं हुआ, पर जब से तीसरी बार आपके दवा लेने आए पर बहुत फर्क है, बहुत मतलब फायदा है। अब आंखें आप अपनी स्टैंड पर रहो, मैं तो इसलिए चाहता हूँ कि मैं आयुर्वेद को लोगों ने बहुत बुरी तरह नीचे गिराया है, और ये पूरी तरह से लगा लो कि एक तलवार के धार पर बैठा है आयुर्वेद। अगर आप बोलिए एक बार, बोलिए आपकी बोलो बोलो जी, मेरी बीवी को बहुत आराम है, बहुत फायदा है। ये हम अंग्रेजी दवाई से बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। देखो मैं नहीं बोलूंगा ये बात को, इतना बोलेंगे कि आपके साथ जो ट्रीटमेंट चला उसमें आपकी कंडीशन ये होगी कि आपके सब कुछ बिकवा दिया गया। हाँ। अब आपके पास पैसे नहीं थे, नहीं। और उन्हें ऑफर दिया कि 25 लाख रुपया, तो 25 लाख ना होने की वजह से ये आयुर्वेद की तरफ आए। और चलो कोई नहीं, किसी को नहीं बोलना हमें, आज की तारीख में अगर हमें भी मान लो कि एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें जाना पड़ेगा बहन जी उनके पास भी, या ब्लड चढ़ाने पड़े तो हमें जाना पड़ेगा। उसमें सभी लोग खराब नहीं है, हम ये भी बोलेंगे, हमें किसी को बदनाम नहीं करना, हमें एक बात सच्चाई रखनी है। तो उनकी सहायता की जरूरत हमें पड़ती भी है, क्योंकि अगर आयुर्वेद में आ जाए और ब्लड चढ़ाना तो फिर कहाँ से चलेगा। तो हमें बदनाम नहीं करना है, हमें एक सच्चाई रखनी है। और सच यही है कि आयुर्वेद में भी तो लोग मेरे पास आए थे जी, जो उन्होंने एलोपैथ में गए नहीं और आयुर्वेद में भी गए, तो उनकी भी हालत ख़राब हो गई। आज आयुर्वेद में भी कई लोग बहन ऐसे हैं जो कि गलत मिसगाइड कर रहे हैं। तो हमें किसी एक तरफ नहीं बोलना है, क्योंकि कल को क्या होगा कि वो लोग बोलेंगे ठीक आप ही लोग कर लो। एलोपैथी के खिलाफ नहीं हाँ। बोल रहे हैं, वो जो दवाइयां हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो दवाइयां जिस तरीके से वो लोग कहते हैं कि वो करती है वो नहीं। हमें किसी को भी नहीं बदनाम करना, हमें एक सच रखना है। हमारे पास भी तो पेशेंट की डेथ हो रही है, ठीक है, हम तो नहीं बोल सकते हमने सबको ठीक कर दिया, हमें एक सच्चाई रखनी है। जो कि यही बात है कि अब आपको लग रहा है कि हम ठीक है, तो आप अपने आप में आगे चलकर जो मैंने आपको बताया था खाने पीने के बारे में, दिनचर्या के बारे में, क्या सिर्फ पेशेंट कर रहा है या आप भी करते हो? नहीं हम भी कर रहे हैं सर। आप भी करते हो सभी चीज? सभी चीज। देखो हमने कभी नहीं बोला कि सिर्फ पेशेंट को, हम ये चाहते हैं कि आगे आपके घर में आपके बच्चों को या आगे किसी बंदे को भी ये प्रॉब्लम ना हो, जिस जगह पर आपको आज जमीन बेचनी पड़ी, मानते हो ना हमें, क्योंकि अब है भी नहीं जमीन, अगर दूसरा पेशेंट बन जाता है तो फिर कहाँ जाओगे? तो इस चीज को बताने वाला कोई नहीं है। तो हमने तो सारी बात बताई, आज सही पूछो तो हमें होती है,
ठीक है, सही चिकित्सा नहीं हुई, सही वैद्य नहीं मिला या सही डॉक्टर नहीं मिला, तो कहीं नहीं कारण ये रहा। और मौत तो एक सत्य भी है, मौत तो आएगी हर बंदे की, मौत को तो टाल ही नहीं सकते आप, ठीक है, लेकिन सच्चाई रखेंगे। ठीक है जी, तो बड़ी खुशी हुई आप दोनों, आज दोनों खुश हो। नहीं सर, हम तो बहुत खुश हैं, पर दिक्कत यही है कि आप आज ये पैसे उधार लेकर के आए हैं। आप चिंता मत करो जी, आपसे ये बात बताया करो मुझे, ठीक है, मतलब हमें बात बतानी पड़ी, घर पर रोए फिर इन्होंने मोहल्ले से पैसे उधार लेकर के आए। ये बात तो आपको बताया था मैंने, जिनके पास नहीं उसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं ये बात तो बताई थी आपको, तो आप बेफिक्र है ना, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, लेकिन खुश तो हो ना, खुश तो आप तो नहीं रहना ना, ठीक है सर, नमस्ते। अच्छा।